नमस्कार। पूरी दुनिया दे विच साडा प्रोग्राम तारे आखदे ने वेख रहे साडे सारे ही वीरां साडियां भैणां ते साडे बजुर्गां दा बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा जिहा विशेष उपाय नोट करो जी, जे तुसीं अपने घर दे विच सुख शांति बनाए रखना चाहुंदे हो ते आर्थिक रूप दे विच समर्थ रहना चाहुंदे हो तां हरेक महीने नूं मावस नूं मस्या नूं यानी कि पूरे घर दी सफाई करके फालतू का समान जिन्ना भी है बाहर सट दो या कबाड़ी नूं वेच दो। सफाई तो बाद पंज अगरबत्तियां घर के मंदिर दे विच जरूर जगाओ। फिर हर तीज त्यौहार नूं पूर्णमासी वाले दिन या विशेष दिनों दे विच भगती भावना दे नाल भगवान की पूजा करो, जे संभव हो सके तो हवन करो या किसी शुभ मंत्र दी 108 वारी आहुतियां जरूर दो। जे पूजा करते समय तुहाडे घरे मेहमान आ जाए तो बहुत ज्यादा शुभ हो सकता है, सो उन्हां मेहमानां नूं भी तुसीं विशेष तौर ते पूजा दे विच शामिल कर सकते हो। अज गल करते हैं असीं बीसा पन्ना लॉकेट के बारे। पन्ना जिहड़ा हैगा बुध ग्रह का रत्न हैगा, सो बुध ग्रह वाणी का बोलन का कुशलता का यादाश्त की शक्ति का सिक्ख्या का कारक है। स्टूडेंट्स लिए बहुत जरूरी है जी। सो बुध ग्रह के शुभ प्रभाव के नाल जिहड़ा इंसान जीवन के बहुत ज़्यादा तरक्की बहुत जल्दी हासिल करता है, इसलिए जो समा सही हैगा तो बहुत अच्छे नतीजे असीं लै सकते हैं। जे बुध ग्रह लाभदायक स्थिति के विच है तो व्यक्ति सुलझे हुए विचारों वाला ते अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला ते अपने कामों के समर्थ होता है। ऐसी स्थिति के विच उस व्यक्ति नूं दे नाल किस तरीके नाल उन्हें गलबात करनी है, बुध ग्रह के शुभ प्रभावों को किदां वधाना बहुत आसान हो जाता है। सो व्यक्ति जिहड़ा मानसिक तौर पर अस्थिर ना हुंदा ना ही विचलित हुंदा है। सो कंपीटिशन्स दे विच सफलता रिटर्न कंपीटिशन्स दे विच ते इंटरव्यूज दे विच बहुत निडर हो के गल करदा ते अपने पक्ष नूं प्रस्तुत करन दे विच कला दे विच ट्रेन हो जांदा है। सो बुध ग्रह दे नाल प्रभावित व्यक्ति जिहड़ा उहदे विच अच्छे अच्छे गुण आ जांदे आ। वड्डे वड्डे कलाकार व्यवसायी वकील ते सलाहकार आदि जिहड़े ने अपनी तरक्की दे लई पन्ना धारण करदे आ। ज़्यादातर लोग जिहड़े पन्ने नूं लॉकेट च पैंदे आ ते पन्ने दा उहनां नूं पूरा लाभ मिलदा है, नाल नाल धारण करन दा सुविधा उन्होंने मिलती है। सो स्किन संबंधी रोगों को दूर करने के भी लाभदायक होता है। सो एक चीज़ है कि जो पंच धातु के बने हुए बीसा यंत्र के लॉकेट के पन्ना धारण करते हैं तो व्यक्ति को पन्ना ते बीसा यंत्र दोनों का दूरा लाभ मिलता है। जिथे एक पासे पन्ने के प्रभाव के नाल उसकी यादाश शक्ति वधदी है उत्थे ही भाग्य के भी वृद्धि होती है। सो जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने या व्यवसायी ने साडे तो विशेष तौर पर सिद्ध करवा के पन्ना बीसा लॉकेट ले सकते हैं। सुके हुए संघाड़े जो असी पीस के नींबू के रास्ते विच मिला के स्किन डिजीज के उत्ते लगाने जिथे भी चमड़ी के रोग है तो साढ़े रोग निश्चित रूप के ठीक हो सकते हैं। वड्डे बैडरूम के लिए असी जो दरवाजा हमेशा ही उत्तर के पूर्व के बनाईए, लेकिन जे ये स्टा के असी टॉयलेट भी बनानी होनी है तो ये जी टॉयलेट तो ऐसी हालत के दरवाजा उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व की दिशा के रखा जा सकता है। सो वड्डे बैडरूम के अंदर जो सफेद या हल्के नीले रंग के नाल किसी भी शेड के पुताई की जा सकती है या रंग किया जा सकता है। कमरे के लाइट्स की व्यवस्था इदा होनी चाहिए कि जी अखां नूं चुभे ना। सो नाइट बल्ब जलाने चाहिए जिहड़े नीले रंग के होने चाहिए है। सो बैडरूम के आराम करते समय कुछ मनोरंजन भी असी ला सकते हैं, यानी कि हल्की आवाज़ के संगीत सुनिया जा सकता है। बिजली के उपकरण पखे आदि दे लई कमरे का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा ज़्यादा वधिया रहिंदा है। सो ध्यान रखना चाहिए कि वड्डे बैडरूम के जो बिस्तरा किसी भी पास्यों जो दीवार के नाल सटिया होया ना होवे, विच थोड़ी खाली जगह जरूर होनी चाहिए है। कमरे के कोई भी चीज़ दीवार के नाल सटा के ना रखो तो चंगा रहेगा। सो इन सौंदे समय नाल नाल दक्षिण दिशा वाल थोड़ा सिर ते पैर उत्तर दिशा वाल ही होने चाहिए है। सो प्यारे दर्शकों, जो भी घर बनाओ उस तो पहला वास्तु जरूर चैक कर लो। जे थानू घर दे विच रहिंदिया कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो फटाफट उहदा नक्शा लिया के सानू तुसीं जरूर चैक करा सकते हो। सतमुखी रुद्राक्ष का नाम जिहड़ा अनंत हैगा, सूरज ते सप्त ऋषि इहदे देवता ने। सो इस रुद्राक्ष नूं जिहड़ा है कदी भी जहर नहीं सतांदी। इहदे पहनण दे नाल जिहड़ा महालक्ष्मी जी की प्राप्ति हुंदी है, सारे ही पाप ते शोक नष्ट होके सुख शांति मिलती है। सतमुखी रुद्राक्ष नूं सोमवार दे दिन जिहड़ा स्नान तो बाद काले धागे दे विच गुंद के धारण किया जा सकता है। सो रोज़ जिहड़ा विधि पूर्वक धारण करते समय ओम हूं
नवा मंत्र का जाप कर सकते हो। सो अठवां कि रुद्राक्ष नूं गणेश जी का प्रत्यक्ष अवतार मनिया गया। इहदियां अठ देवियां जिहड़ियां अठ मातावां ने, इहनूं धारण करन वाले प्राणी नूं जिहड़ा है जीवन का अपयश नहीं मिलता। सो यह अठे वसु ते गंगा नूं प्रसन्न करन वाला हैगा। अठमुखी रुद्राक्ष नूं सोमवार दे दिन सवेरे सवेरे स्नान करन तों बाद विधिवत रूप दे नाल ओम हरा ग्री ला आ श्री मंत्र का जाप करके पहनया जा सकता है। सो काले धागे दे विच रुद्राक्ष सिर्फ 350 तो तुसीं साडे तो लै सकदे हो, असली ते सिद्ध कीते हुए। जे तुसीं धन दे विच बहुत ज्यादा वाधा चाहते हो तो विशेष मुहूर्त दे विच तुसीं जिहड़ा है स्वटिक दा श्री अंतर करे स्थापित करके तुसीं 11 माला का जाप करो 108 दिन तक लगातार। ओम श्री ह्री श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्री श्री महालक्ष्मी नमः। अज असीं गल करदे हां गुमेर ते लसुनिया दे बारे। दोनों ही रतन जिहड़े राहु ते केतु दे रतन है, सो दोनों ही छाया ग्रह ने। सो इन्हां रतनां नूं जिहड़ा जन्म पत्रिका का बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज करन तों बाद ही धारण किया जा सकता है। सो रतन धारण करन तों पहला उन्हां दी जांच ते परख बहुत ही ज्यादा अनुभवी ज्योतिषी दे द्वारा कर लेनी चाहीदी है। सो उस तों बाद शुभ दिन पक्ष ते नक्षत्र दे विच विधि विधान दे नाल सिद्ध करवा के प्राण प्रतिष्ठित किते हुए पूजा करन तों बाद उन्हां रतनां नूं धारण करिए तां बहुत ही फल दिंदे आ। लसुनिया जिहड़ा है इस रतन दे उत्ते जनेऊ दी तरह बहुत ज्यादा आसान रेखावां जिहड़ियां प्रकाशमय रूप दे विच पाईआं जांदीआं जदों इहनूं फड़ के असीं हिलांदे आ। सो रेखावां स्थिर ना हो के रतन दे नाल नाल हिलदीआं। ऐसीआं लाइनस रतन दे उत्ते जिहड़ीआं हुंदीआं 250 सूत कम से कम, ओह रतन बहुत ज्यादा उत्तम मन्निआ गिआ है। सो लसुनिया रतन नूं रात दे नेरे दे विच तुसीं देखदे हां तां बिल्ली दी अख वांग चमकदा है। इसे कारण इहनूं अंग्रेजी दे विच कैट्स आई स्टोन वी कहा जांदा है। सो इह जिहड़ा रतन हैगा सुनहरा फिर नीले रंग दा, धूए दे रंग वर्गा ते काला हुंदा है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਤਨ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਰਤਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੇਦ ਸੂਤ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੰਤ ਮੂਨ ਸਟੋਨ ਕੈਟਸ ਆਈ ਲੈਪਿਸ ਲਜੂਲੀ ਟਾਈਗਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਕੁਆਇਸ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉਪ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਸੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 95% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸਟੋਨ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਨ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸਟੋਨ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत वधिया है, मन चाहिया मुरादा पूरिया हो सकती हैं। वृष यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए प्यार तो शादी का सफर तय हो सकता है। मिथुन यानी कि जैमनी राशि वाले दुश्मन आज तुम बहुत तंग कर सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए किस्मत का सितारा जोरदार है, व्यापार के लिए सफलता मिलेगी। सिंह यानी लियो राशि वालों के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आज थोनू सिग्नेचर करते हुए ताकि कोई भी थोनू धोखा ना दे सके। कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले विदेश की उड़ान थोड़ा इंतजार कर सकती है। सो तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत भज दौड़ बनी रहेगी। सो काम के लेकिन सफलता जरूर मिल पाएगी। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अज का दिन जोड़ा है कोर्ट कचहरी के झूठी गवाही बिल्कुल ना दियो, नहीं तो तुम फस सकते हो। तुहानू यानी सैजिटेरियस राशि वाले अज धन किसी को बिल्कुल उधार ना दियो, नहीं तो थोड़ा धन मर सकता है। मकर यानी कैप्रीकॉन राशि वालों के लिए किस्मत अज बहुत वधिया है, अज तुम धन की इनवैसटमेंट के लिए सही प्लानिंग सोच सकते हैं। थानू कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वाले अज पत्नी की मदद के नाल कोई वड्डा काम सिरे चढ़ेगा। तो मीन यानी पाइसिस राशि वाले खानदानी जायदाद के विचों कुछ ना कुछ मिल सकता है। सो बड़े दर्शक पूछते हैं कि सुखमंदर जी असं आप आके थोड़ा मिलना चाहते हैं, थोड़े तो असं रतन रुद्राक्ष लैके हासिल करना चाहते हैं, तो नाल नाल थोड़े को असं टेवा भी दिखाना चाहते हैं, तो ज्योतिष नाल संबंधित उपाय भी करवाना चाहते हैं, तो वास्तु का विजिट भी करवाना चाहते हैं। प्यारे दर्शकों इन्होंने सारे के लिए सब तो पहले तुम फोन पर टाइम ले सकते हो, साड़ा पता नोट कर लो, ज्योतिषी सुखमंदर 30G सराबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया, फोन नंबर 94170-2533 98-726-2533। साढ़े इस प्रोग्राम में तुसी फेसबुक के उत्ते यूट्यूब के उत्ते ते कैनेडियन टीवी चैनल झांझर टीवी के उत्ते भी देख सकते हो। कल फिर मिलांगे, कल तक लई नमस्कार।